हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपने गूगल पे से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आप पैसों को वापस कैसे लाएंगे, क्या प्रोसेस है। यदि आप बताए स्टेप को फॉलो करेंगे तो 101% वर्क करेगा। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। दोस्त, आपसे गलती से 1 रुपये, 100 रुपये, 1000, 10000 कितना भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया होगा तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 100% वर्क करेगा। तो करना क्या है, तो आपको सबसे पहले तो गूगल पे ओपन करना है और यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने कितना किसको कब कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया सारा यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको देख सकते हैं जो भी अमाउंट आपने गलत ट्रांसफ़र किया है, भेजा है, उस अमाउंट पे गलत क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं जो आपका 1 रुपये भी हो सकता है दोस्त, 1000, 10000 कितना भी हो सकता है, आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करनी होती है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की ओर एक डिटेल मिलता है, देख सकते हैं UPI ट्रांजेक्शन ID और नीचे गूगल ट्रांजेक्शन ID। उसके बाद आप इस डिटेल का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी जस्ट काम आने वाला। अब आपको क्या करना है, ऊपर की ओर ही 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर ही क्लिक कर देना होता है। अब चलिए दिखा रहा हूँ स्टेप जो दोस्त आपको पैसा वापस लाने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना। आप बस बताए स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और गेट हेल्प पर क्लिक कर देंगे। गेट हेल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, गूगल के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करनी है और आपको सारी प्रोसेस सारे स्टेप्स आपको बता दिया जाएगा और फॉलो करके आप पैसा वापस ला पाएंगे। तो करना क्या है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, चैट पर क्लिक मत कर दीजिएगा। चैट में क्लिक करेंगे दोस्त तो आपको 100% हेल्प नहीं मिलता है, आपको करना है कॉल, डायरेक्ट कॉल करना है अपने डायलर से और दोस्त यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कॉल पर क्लिक कर देना है, अपनी सिम सेलेक्ट कर देना जिस पे आपका रिचार्ज हो उस पर आप क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका लग जाएगा कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो जो बताएगा स्टेप वही चीज़ करते जाना है। अब यहाँ पर दो दबा दिया हमने। यदि आप 1 फरवरी या उसके बाद जो जो क्लिक करूंगा वही क्लिक करिएगा। समस्या के लिए हम परीक्षा करें और अपडेट के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। कॉल को समाप्त करने के लिए 1 दबाएं। यदि आपको असुविधा के बारे में अभी भी कोई सहायता चाहिए तो 2 दबाएं। कृपया हमें अपनी समस्या के बारे में और जानकारी दें। आपके खाते से पैसे कट गए हैं और भुगतान पाने वाले के खाते में नहीं पहुंचे हैं तो 1 दबाएं। दोस्त यहां पर और आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सुनते रहना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको लास्ट में 6 प्रेस कर देना है, ठीक। 6 दबाएं। 6 दबाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याओं के लिए 1 दबाएं। उसको न्योता भेजने या रेफरल से जुड़ी समस्याओं के लिए 3 दबाएं। हमारे विशेषज्ञ से बात करने के लिए 4 दबाएं। ये देखिए मेन मेन्यू में। और जैसा कि आप अवगत हैं, इसलिए हो सकता है कि गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए आपकी कॉल मॉनिटर या रिकॉर्ड की जाए, जो हमारी गोपनीयता। देखिए सारी प्रोसेस आप फॉलो करिएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, आपने गूगल पे में जो मेल आईडी दे रखा उस पर आपको एक मैसेज जाएगा, इस तरह से आपको यस कर देना आपके फोन में, ठीक है। जो आपने गूगल पे अकाउंट में मेल आईडी लिंक किया होगा उस पर एक मेल आएगा तो उसी पर आपको यस करना होता है। अब आपको गूगल पे से एक विशेषज्ञ आपसे बात करेगा। हो रही है क्या, मेरी बात आकाश सिंह जी से हो रही है? जी सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फोन का लाउड स्पीकर एक बार ऑफ कर लीजिए। जी सर, रॉन्ग पेमेंट किया आपने। जी सर, ठीक है सर, परेशान मत हो। देख पा रहा हूँ अपने इस चीज के लिए कंप्लेन रजिस्टर्ड करा रखी है, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ। ये पेमेंट 20 रुपए की थी 30 जनवरी को 6:36 पे। गूगल पे माध्यम जो है जिससे आपने पेमेंट पे करते हैं, राइट, उसमें जो है अगर पेमेंट एक बार इनिशिएट हो जाती है तो ना ही हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ना ही हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जो है आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है इसके लिए जो है बैंक को कॉन्टेक्ट करें, या अगर आपकी प्रॉब्लम बैंक द्वारा नहीं सॉल्व होती तो NPCI में आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी होगी। और आपको बताया गया था कि आपकी ये कन्वर्सेशन खत्म क्या होने के बाद जो है आपको जो कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा बैंक को या NPCI को, और उसमें आपको एक मेल भेजी गई है जो कि आपको रिसीव हुई है। सर बैंक बैंक सर एक बात पूछना था, बैंक में तो जाता हूँ बट बैंक में हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या करें? तो NPCI पे कंप्लेन कर लीजिए। आपको मेल सेंड तो की है कि NPCI और
बैंक को कैसे कांटेक्ट करना। चलिए ठीक ठीक है है सर, यहाँ से जी, आशा आप हेल्प करता नहीं हूँ कर कि पाएंगे? सर नहीं, पैसा गूगल पे के पास नहीं है ना, पैसा तो किसी सामने वाले पर्सन के पास है, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक बार इनिशिएट हो जाती है तो हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैंने आपको दिखाया गूगल सपोर्ट टीम से बात करके, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपको या तो घर बैठे ऑनलाइन NPCI के पोर्टल में जाकर कंप्लेन करना होगा या फिर आपको डायरेक्ट बैंक जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पैसा कटा था NPCI के पोर्टल में जाकर मैंने कंप्लेन किया, बट वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, ऑनलाइन भी हमारा रिफंड नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं डायरेक्ट बैंक गया, 24 घंटे के अंदर ही आपको जाना होता है, या फिर दोस्त अब 2 से 3 दिन भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैंक में जाना है, अकाउंटेंट से बात करना है, बैंक मैनेजर से डायरेक्ट बात करना है अगर आपको बड़ा अमाउंट है तो। और दोस्त जाकर आपको वहाँ पर एक पेज में एप्लीकेशन लिखिए रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग्स, और ये सारी डिटेल भर दीजिए जो यहाँ पर डिटेल है, और ये डिटेल भर कर आपको दे देना है, आपके अकाउंट से कितना पैसा कटा है, आपका नाम क्या है, बैंक अकाउंट नेम क्या है, और शाखा का नाम क्या है, और अकाउंट नंबर क्या है, और किस, और UPI ट्रांजेक्शन ID, गूगल ट्रांजेक्शन ID, सब कुछ भर कर आप दे दीजिए, और कितना अमाउंट कटा है सब कुछ। तो दोस्तों आपको क्वेरी किया जाएगा वहाँ पर, आपका वो बैंक मैनेजर या फिर अकाउंटेंट जो है 100% आपका पैसा रिफंड करने में मदद करता है, इससे बड़ी और हेल्प कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपको जाना अपने नियरेस्ट ब्रांच में, आपने जहाँ पर अकाउंट खोल रखा है जिस भी बैंक में उसी बैंक में जाइएगा तभी आपको हेल्प मिलेगा, बाकी दूसरे शाखा में मत चले जाइएगा, 100% आपको हेल्प मिल जाएगा यदि आप जो दोस्त बताए स्टेप पर आपको फॉलो करेंगे तो। ठीक है, बस इतना ही लेकर आपको जाना होता है, मैंने आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम से बात करके भी दिखा दिया, कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम गूगल सपोर्ट टीम के पास पैसा नहीं होता है दोस्त, आपने जिसको ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसके अकाउंट में चला गया है, गलत ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब बैंक ही आपको हेल्प कर पाएगा डायरेक्ट आपको पैसा वापस लाने में। तो इसमें 24 आवर्स लगता है या फिर 2 से 3 दिन का वर्किंग डेज लगता है, बस आपको जाना है और आपको वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करना अपने नियरेस्ट ब्रांच में। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा, हेल्प मिलता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपको दिखाया कि गूगल कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम से कैसे बात करते हैं और किस तरह से आप बात करके हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं हेल्प मिलता तो फिर क्या करना होगा, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। सो धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जाइएगा।